हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज फिर से मैं आ गया एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके। तो क्वेश्चन को लास्ट तक समझना है और समझने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना है, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। वी हैव वन फैक्टराइजेशन, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर माइनस 36, इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे अगर ये 36 नहीं रहता देन ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में ही था, बट ये माइनस 36 है, दैट मीन्स वी नीड टू फैक्टराइज दिस वन। सो पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर माइनस 36, अगर चारों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा एक बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट है फैक्टराइज करना। तो हम ये चार जो एक्सप्रेशन है, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस फोर, ये चारों को हम ग्रुप करेंगे, दो ग्रुप में बांटेंगे इसको। अब ग्रुप कैसे बनाना है, ग्रुप ऐसे बनाएंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग दैट टू एक्सप्रेशन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स सेम आ जाएगा, ऐसे हम ग्रुप बनाना है। तो अगर हम x माइनस वन और x माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रुप बनाएंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, तो सेम नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, x माइनस वन और x प्लस थ्री को एक साथ ले लिए, x माइनस टू और x प्लस फोर को ले लिए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वन x प्लस थ्री और x माइनस टू इंटू x प्लस फोर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, क्योंकि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स, प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स मीन्स प्लस टू एक्स और प्लस थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री। अब इस टर्म में आते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स, सो प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स मीन्स प्लस टू एक्स हो जाएगा और माइनस टू इंटू प्लस फोर माइनस एट। अब मेरा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री आया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट आया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स दोनों में सेम है, अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ए से। हम यहां पे मान लिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एज ए, अब अगर इसको ए मान लिए तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ए माइनस थ्री और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ए माइनस एट। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पर ए माइनस थ्री इंटू ए माइनस एट मल्टीप्लाई करने पर मेरा आएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस एट ए दैट इज माइनस इलेवन ए, माइनस थ्री इंटू माइनस एट दैट इज प्लस ट्वेंटी फोर और माइनस 36 एज यूजुअल था। अब लाइक टर्म है ये दोनों, प्लस 24 और माइनस 36, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सिंप्लीफाई करने पर आएगा ए स्क्वायर माइनस 11 ए माइनस 12। अब ये सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ गया, मिडिल फैक्टर, तो 12 को एक्सपांड करके मुझे 11 लाना है, तो जो कि हो जाएगा 12 माइनस 1, देन दिस बिकम्स ए स्क्वायर माइनस 12 ए प्लस ए माइनस 12, क्योंकि यहां पे 11 ए का साइन नेगेटिव है तो 12 को नेगेटिव लेना होगा और 1 को पॉजिटिव लेना होगा, तो माइनस 12 ए प्लस ए कर लिए। अब ये फर्स्ट टू टर्म से मेरा कॉमन आ गया ए, तो ए इंटू ए माइनस 12 और ये दोनों टर्म से 1 कॉमन गया, तो 1 कॉमन लेने से ए माइनस 12। अब ये होल एक्सप्रेशन से ए माइनस 12 कॉमन गया, तो ए माइनस 12 इंटू ए प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ए में मेरा क्वेश्चन था नहीं, मेरा क्वेश्चन था इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हम ए के जगह जो हम एज्यूम किए थे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, अब हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे। तो ए के जगह एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स रिप्लेस कर दिए, यहां पे भी ए के जगह एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स रिप्लेस कर दिए, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 12 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 1। अब यहां पे आंसर कंप्लीट नहीं होता है, अगर ये दोनों में से कोई भी फैक्टराइजेबल नहीं है तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, बट ये दोनों में से एटलीस्ट 1 भी फैक्टराइजेबल है तो मुझे आगे करना होगा। यहां पे ये फैक्टराइजेबल नहीं है बट ये फैक्टराइजेबल है तो मुझे इसको फैक्टराइज करना है फिर से। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 12 एज यूजुअल और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको हो जाएगा ये दोनों एस, ये दोनों से एक्स कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और ये दोनों से प्लस 1 कॉमन गया, तो प्लस 1 कॉमन लेने से एक्स प्लस 1। अब होल एक्सप्रेशन से एक्स प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सो मेरा फाइनल आंसर मिल गया आफ्टर अरेंजिंग एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 12। सो इस तरह से अरेंज करके इसको फैक्टराइज करना है, और अगर बिना अरेंज किए फैक्टराइज कर दिए तो
तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना, बिकॉज यहाँ पे एक बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा और उसको फैक्टराइज करना इज वेरी टफ एक्चुअली. सो दिस इज द फाइनल आंसर. थैंक यू. और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए. कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू वंस अगेन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.